चलो तो कमिटमेंट के हमने दो स्टेजेस देखे, स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन। हम स्पेसिफिकेशन को समझ रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन है क्या। देखिए, द फेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू इज सेट टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल टू चेंज इट्स फेट व्हेन प्लेस्ड इन अ एनवायरमेंट दैट इज न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट पाथवे सच एज द पेट्री डिश। यानी एक सेल जो है स्पेसिफाइड कब कहलाता है, जब वो अपने फेट को बदलने की काबिलियत रखता है। यानी एक सेल है, इसको पता है कि भाई मुझे आगे चल के किडनी बननी है, ठीक है। यानी इसने फेट डिसाइड किया है कि मुझे किडनी बनना है, लेकिन आपने क्या किया, इसको किसी ऐसे एनवायरमेंट में रखा कि इसका ईमान डगमगा गया। यहां पे ईमान बोलने से बेटर है हम बोलेंगे फेट डगमगा गया, ठीक है। इस एनवायरमेंट में रखने के कारण अब इस सेल का जो फेट था वो था किडनी बनने का। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये जो है इस एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आके इसने अपना फेट चेंज कर लिया। फेट चेंज करने की वजह से ये शायद जो है कुछ और बन रहा है, समथिंग एल्स फॉर्म कर रहा है, ये किडनी फॉर्म नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन। न्यूट्रल मतलब होता है जो कुछ असर ना डाले किसी सेल पे, ठीक है, जो कि असर ना डाले किसी सेल पे। अगर आपके आजू बाजू के जो सेल हैं वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब कि वो सेल आपके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, बस वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, एट अ स्पेसिफिकेशन स्टेज कमिटमेंट टू सेल आइडेंटिटीज स्टिल लबाइल। ऐसा क्यों हुआ, हमने तो बोला था भाई कि ये कमिटेड है, राइट, ये सेल कमिटेड था किसके लिए, किडनी फेट के लिए। लेकिन इसको हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जिसमें किसने अपना फेट बदल लिया, और अब ये किडनी नहीं बना रहा है, कुछ और बना रहा है, ऐसे कैसे गड़बड़ हुआ, जबकि ये तो कमिटेड हो चुका था। तो हम कहते हैं इसका ये जो कमिटमेंट है ना, ये फिक्स नहीं था, नॉट फिक्स्ड। और इस नॉट फिक्स्ड के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज लेबाइल। लेबाइल यानी जिसके पास कैपेबिलिटी होती है चेंज हो जाने की। अरे तन्मय जी सुनिए तो सही, अभी हमने फिनिश कहां किया है, बोलने दीजिए पहले, सुनिए पहले सारी बात, तब कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। हमने क्या बोला, ये सेल कमिटेड है, ठीक है, लेकिन इसकी जो कमिटमेंट है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप 12th क्लास में साइंस लेके पढ़ रहे हो, लेकिन आज भी 12th साइंस करने वाले बच्चे, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कि MBA कर रहे हैं, राइट, यानी उनका साइंस लेना और साइंस लेकर पढ़ना, और आगे ये मे बी उन्होंने BSc भी किया हो, ठीक है, मे बी उन्होंने MSc भी किया हो। मेरे ही ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने BSc किया, MSc किया, फिर जॉब के चक्कर में फिर MBA कर लिया, मतलब पूरा फील्ड स्विच। यानी उनका कमिटमेंट क्या था, उनका कमिटमेंट फिक्स नहीं था, उन्होंने अपना अपना फैसला लिया, अपना फेट लिया कि हम साइंस में अपना करियर ऑप्ट करेंगे, हेंस उन्होंने साइंस रिलेटेड चीजों को किया। लेकिन जो फाइनल जिन्होंने साइंस रिलेटेड चीजों को लिया, लेकिन जॉब वो साइंस फील्ड में नहीं कर रहे हैं, लास्ट में जाकर उन्होंने सब चीजें बदल दी। यानी उनका जो फैसला था वो फिक्स नहीं था, वो फ्लक्चुएटिंग था, इसे लास्ट में उन्होंने जाकर अपना डिपार्टमेंट ही पूरा चेंज कर लिया। ऐसे ही सेल होते हैं, शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं फेट कि हाँ मुझे क्या बनना है, लेकिन आसपास से इन्फ्लुएंस होके वो अपना फेट चेंज करने के लिए कैपेबल होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि अभी जिस स्टेज में ये सारे फीचर्स ये शो कर रहे हैं, वो स्टेज ऐसा है जिन्होंने इनको अभी उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ये अभी ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये फेट डिसाइड करने के बाद भी फेट को बदल सकते हैं। यानी इस स्टेज तक सेल जो है उतने हाईली रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुए हैं, इसीलिए ये अपना कमिटमेंट को पलट सकते हैं, कमिटमेंट से हट सकते हैं। और हम कहते हैं कि इस टाइप के जो सेल होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन स्टेज में होते हैं, वो अपनी कमिटमेंट के लिए लबाइल होते हैं, यानी दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, वो अपने फेट को बदल सकते हैं।
इसीलिए इफ अ स्पेसिफाइड सेल इज ट्रांसप्लांटेड टू अ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल द फेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड सेल विल बी एल्टर्ड बाय इट्स इंट्रैक्शन विद द न्यू नेबर. जैसे कि इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये हमने यहाँ पर एक एम्ब्रियो लिया है, ठीक है. यहाँ पे ये जो रेड वाले सेल है, मैं आपको बता देती हूँ, ये रेड वाले सेल स्पेसिफिक है कि ये मसल्स बनाएंगे, ठीक है. और ये जो येलो वाले सेल है ये स्पेसिफिक है कि ये न्यूरॉन बनाएंगे. अब हमने क्या किया देखिए जरा, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पर पूरा का पूरा येलो वाला सेल, येलो वाला सेल यानी न्यूरॉन बनाने वाला सेल, न्यूरॉन बनाने वाले सेल के बीच में ये रेड वाला सेल जो है हमने ट्रांसप्लांट कर दिया. जिसका फेट क्या था, जिसका फेट था कि भाई मसल्स बनेगा, ये रेड वाला सेल्स मसल बनेगा. हमने क्या किया, रेड वाले सेल्स को लेके न्यूरॉन सेल्स के बीच में प्लेस कर दिया, यानी उसका इन्वायरमेंट हमने बदल दिया. वो नेचुरली ऐसे इन्वायरमेंट में था, ठीक है. तो जब हमने उसका इन्वायरमेंट चेंज किया और पेट्री डिश में उसको प्लेस किया, तो इस सेल के लिए जो है, मतलब कि मसल सेल के लिए ये जो इन्वायरमेंट था वो एक न्यूट्रल था, ठीक है. लेकिन इस मसल सेल ने क्या किया, अपने आसपास के सेल से खुद को इन्फ्लुएंस किया, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये रेड वाला सेल भी देखिए क्या बना रहा है, ये भी अब न्यूरॉन ही बना रहा है. क्यों? क्योंकि ये बगल बगल वाले के इन्फ्लुएंस में आ गया, यानी वहां पे जो केमिकल सिग्नलिंग चल रही थी उसी केमिकल सिग्नलिंग को इसने भी रिसीव कर लिया, और ये मसल बनाने की जगह अब न्यूरॉन बना रहा है. जब सेल ऐसा बिहेव करते हैं तो हम कहते हैं सेल अपने स्पेसिफिकेशन स्टेज में है, या फिर वो स्पेसिफाइड है. यस, इज दैट क्लियर? समझ में आया स्पेसिफिकेशन क्या होता है? चलिए अब इसी का हम एक और सेकेंड स्टेज पढ़ते हैं. हमने बोला था कमिटमेंट के दो स्टेजेस होते हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन. अब अगला बात करते हैं हम डिटरमिनेशन के बारे में. डिटरमिनेशन क्या होता है? अ सेल और अ टिश्यू इज सेट टू बी डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली इवन व्हेन प्लेस्ड इनटू द अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो और क्लस्टर ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल इन द पेट्री डिश, ठीक है. If a cell or a tissue type is able to differentiate according to the specified fate, even under the these circumstances, it is assumed to be commit. It is assumed that the commitment is irreversible. ठीक है, तो देखिए अब determination में क्या होता है? Determination क्या होता है? अभी जिस stage पे आप लोग हो ना, आप लोग determined हो. क्यों? आप लोगों ने पैसे spend कर दिए हैं science की field में. आप लोग CSIR NET की classes ले रहे हो. तो अभी जो आप लोग हो ना, वो एक डिटरमाइंड स्टेज में हो. कुछ कुछ बच्चे आपके भी स्टेज में डिटरमाइंड है, कुछ कुछ स्पेसिफाइड है. कुछ कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे और उसके बाद उनका नहीं होगा तो वो किसी और मतलब कि एग्जाम के लिए, किसी और एग्जाम के लिए स्विच कर जाएंगे, तो वो स्पेसिफिकेशन स्टेज में माने जाएंगे. लेकिन ऐसे बच्चे जो कि जिद्दी हैं, मुझे हर हाल में CSIR ही चाहिए, मुझे हर हाल में GRF ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सर्कमस्टांसेस, मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा, ऐसे वाले बच्चे डिटरमिनेशन स्टेज में है. सेल भी ऐसे ही होते हैं. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको किसी भी इन्वायरमेंट में रख दीजिए, किसी और एम्ब्रियो के साथ रख दीजिए, किसी और सेल के पॉपुलेशन के बीच में रख दीजिए, वो अपना फेट कभी नहीं बदलते. किसी भी टाइप के सेल को पेट्री डिश में रखिए और उन सेल्स को पेट्री डिश में जो सेल्स रखा है आपने उनके बीच में रख दीजिए, वो कभी भी अपना फेट नहीं बदलेंगे. तो हम कहते हैं उनका जो कमिटमेंट है वो इररिवर्सिबल है, यानी फिक्स हो चुका है, वो अपना कमिटमेंट नहीं बदलेंगे. इसलिए कमिटमेंट गेन करने के स्टेजेस दो बोले गए, एक था स्पेसिफिकेशन, एक था डिटरमिनेशन. स्पेसिफिकेशन स्टेज तक जो कमिटमेंट गेन किया जाता है उससे पलटा जा सकता है, यानी वहां तक कमिटमेंट रिवर्सिबल होता है. लेकिन डिटरमिनेशन स्टेज में जो है कमिटमेंट रिवर्सिबल नहीं होता, यानी यहाँ पे जो सेल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि मैं अपने फेट के अलावा कुछ और नहीं बनाऊंगी, ठीक है. सो इन अ समरी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल mature through specific stage that cumulatively commit it to the specific fate. जैसे कि कभी भी एक uncommitted cell जब proper development phase में move करता है ना, तो सबसे पहले उसमें specification होता है
फिर डिटर्मिनेशन होता है एंड उसके बाद वो सेल जो है डिफरेंशिएट होता है। तो यानी हम सीक्वेंशियल स्टेप में चले तो कोई भी सेल पहले स्पेसिफाई होता है, फिर डिटरमाइन होता है, फिर डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है तीन टाइप के स्पेसिफिकेशन को दिखा सकता है। इट कैन बी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन या फिर सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। इतने वैरायटी क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के एम्ब्रियो में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन देखे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहां पे देख के रखा है, देखिए हमने यही वाला एग्जाम्पल अभी अभी देखा था कि मान लीजिए ये वाले जो सेल हैं, येलो वाले सेल, ये क्या बनाने वाले थे? हमने ये देखा था कि ये जो है न्यूरॉन बनाने वाले थे, राइट। और ये जो रेड वाला सेल है वो क्या बनाने वाला था? वो बनाने वाला था मसल्स। तो जब हमने स्पेसिफिकेशन की बात की थी, जब स्पेसिफिकेशन लेबाइल है, लेबाइल यानी रिवर्सिबल, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? जो ट्रांसप्लांटेड सेल है वो भी न्यूरॉन बना रहा है, क्योंकि वो न्यूरॉन की संगत में है, न्यूरॉन बनाने वाले सेल के जो है सराउंडिंग में है। लेकिन ये वाला डायग्राम देखिए, अगर सेम यही एग्जाम्पल हम ले, लेकिन उस टाइम पे सेल जो है डिटर्मिनेशन स्टेज में एंट्री ले चुका है, तो उस टाइम क्या होगा? ये जो सेल जो आपने ट्रांसप्लांट किया है, जिसका फेट है मसल बनाना, वो मसल ही बनाएगा। इनफैक्ट उसके चारों तरफ न्यूरॉन बनाने वाले सेल हैं, फिर भी वो मसल्स ही बनाएगा। दैट इज स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइंड। यानी इस स्टेज में जो सेल है वो क्या हो गया है? इस स्टेज में जो सेल है वो हो गया है डिटरमाइंड, वो अपना फेट नहीं बदल रहा है। वो कह रहा है भाई तुम मुझे किसी भी सेल के साथ रख दो, मेरा जो फेट है मैं वही बनाऊंगा। इसलिए मसल बनाने वाला सेल जो है यहां मसल्स ही बना रहा है, और उसके चारों तरफ के सेल अपना नॉर्मल न्यूरॉन बना रहे हैं। बताइए, क्लियर? डिटर्मिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन में क्लियरेंस आ गया सभी को? अब मैं इसको एक बार जो है समराइज कर देती हूं। ठीक है, तो हमने कहां से शुरू किया है? हमने शुरू किया है कमिटमेंट से। कमिटमेंट का मतलब होता है भाई फेट के लिए डिसाइड करना, डिसाइडिंग द फेट। अभी जो कमिटमेंट है इसके एक्चुअल में मोड या स्टेजेस दो हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेज क्या था? स्पेसिफिकेशन, और दूसरा क्या था? डिटरमिनेशन। फिर बोला गया स्पेसिफिकेशन भी तीन टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी किसी स्पीसीज में जो है किसी किसी और टाइप का स्पेसिफिकेशन देखा जा सकता है, उनके एम्ब्रियो में अलग अलग स्पेसिफिकेशन देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके तीन टाइप बोले गए। पहला ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तीसरा सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। यस गाइस, अभी आप लोग कुछ कंक्लूजन मत निकालिए, अभी कंक्लूजन निकालने के स्टेज में आप लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ। ये चैप्टर ऐसा है कि इन बिटवीन अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो मैक्सिमम केस ऐसा होगा कि आप गलत कंक्लूजन निकालेंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यानी 2 बजे तक आप लोग के पास पूरा क्लियरेंस रहेगा माइंड में कि कौन सी चीज किसके अंडर में आ रही है, क्या शो कर रही है, एक्स वाई जेड थिंग। इसलिए आराम से पहले सुनिए, पढ़िए क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि अभी भी चैप्टर आधा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत से बोलते हैं ना सीक्रेट जो है वो खुलने बाकी हैं, सब कुछ पता चलेगा डिटरमाइन स्टेज कब और कैसे आता है। लेकिन कोई भी सेल अगर कमिटमेंट के लिए जा रही है तो सबसे पहले वो कहां जाएगी? हाउ टू अचीव अ कमिटमेंट, कैसे जाएगी वो? वो सबसे पहले जो है एक अनकमिटेड या फिर अनस्पेसिफाइड सेल होगी,
राइट, फिर उससे वो कौन सी स्टेज में जाएगी? जी फटाफट से आइए, इससे वो कौन सी स्टेज में जाएगी? ये जाएगी स्पेसिफिकेशन स्टेज में। स्पेसिफिकेशन से वो कहाँ जा सकती है? स्पेसिफिकेशन से वो डिटरमिनेशन स्टेज में जाएगी। और डिटरमिनेशन से वो कहाँ जाएगी? डिटरमिनेशन से वो डिफरेंसिएशन स्टेज में जाएगी। और डिफरेंसिएशन से उसको फंक्शन मिल जाएगा। तो ये है एक सीक्वेंस, इस सेल जो है अपना फेट कैसे गेन करती है या डिफरेंशिएट कैसे होती है। ठीक है, यस, पहले स्पेसिफिकेशन होता है, देन डिटरमिनेशन होता है। अच्छा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है स्पेसिफिकेशन डिटरमिनेशन आपको देखने को बिल्कुल मतलब आई मीन टू से जब सेल स्पेसिफाई होती हैं या डिफरेंशिएट होने जाती हैं तो यही वो प्रोसेस होता है जिससे वो होके गुजरती हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकेशन आपको मोर और लेस जो है थोड़ा अर्ली स्टेज ऑफ कमिटमेंट में देखने को मिलता है, जबकि डिटरमिनेशन आपको लेट स्टेज ऑफ कमिटमेंट में देखने को मिलता है। यही तो समझ में आ रहा है ना, स्टेज में क्या हो रहा है? अर्ली स्टेज में कोई चीज रहती है तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है डेवलपमेंट में, उसके पास उसकी शक्तियां यानी उसका पोटेंशियल कम होता जाता है। तो डिटरमिनेशन स्टेज में जो है सेल मोर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कंपेयर टू द स्पेसिफिकेशन स्टेज, जहां पे सेल लेस रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, एक रफ आइडिया दिमाग में एंट्री ले गया कि हमने जो अलग अलग चीजें पढ़ी वो अब कैसे हमें एक साथ कंबाइन करनी है। तो ये रही समरी, फटाफट से एक बार इस समरी को पढ़िए और मुझे बताइए कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने समरी में ये लिखा है कि स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट जो है दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन। स्पेसिफिकेशन में जो सेल्स होते हैं वो लबाइल फेज में होते हैं, यानी उनका कमिटमेंट फिक्स नहीं होता है, वो अपने फेट से रिवर्ट बैक जा सकते हैं यानी फेट को बदल सकते हैं। हेंस हम कहते हैं कमिटमेंट इस केस में रिवर्सिबल है। जो हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखा उसमें आपको ये सेम टू सेम यही केस देखने को मिलेगा जब हम अभी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे स्पेसिफाइड सेल जो हैं वो कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं। दूसरे केस में यहाँ पे है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन के स्टेज पे कमिटमेंट जो है एकदम पक्का वाला हो जाता है, फिक्स हो जाता है, इसलिए अपने फेट से रिवर्ट बैक जाने की चांसेस कम होते हैं, इसलिए इस केस में कमिटमेंट इरिवर्सिबल होता है। ऐसे सेल जो है ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, और डिटर्मिनेशन शो करने वाले सेल को हम डिटरमाइंड सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिखा के रखा है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से जो है सेल जब स्पेसिफिकेशन में एंट्री लेगा, फिर डिटरमिनेशन में लेगा, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये बैक एरो बता रहा है कि अपने फेट को पलटने के चांसेस कितने कम हैं। तो स्पेसिफिकेशन स्टेज में जो है अपने फेट से पलट जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे आगे चलते चलते देखिए ये जो एरो है इसका कलर लाइट होता जा रहा है, मतलब स्पेसिफिकेशन यानी पीछे हटने के चांसेस कम होते जा रहे हैं और हेंस रिस्ट्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सबसे कम है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे पीछे जाने की क्षमता सबसे ज्यादा है, यहाँ पीछे जाने की क्षमता सबसे कम है। मीनल कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप बताओ जरा। अब मैं यहाँ पे बैठ के रो दूं? आप बोली मैं मॉर्फोजन स्पेसिफाइड सेल होता है। मैंने कब कहा मॉर्फोजन सेल होता है? मैंने एक बार भी कहा कि मॉर्फोजेंस आर सेल। हमने कहा मॉर्फोजेंस आर सिग्नल मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज होके काम करते हैं, दे आर नॉट सेल्स। दे कुड इंड्यूस सेल, दे कुड बी सिक्रीटेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, बट मॉर्फोजेंस तो सेल नहीं होते ना, सिग्नल मॉलिक्यूल है वो, पैराकाइन फैक्टर हो सकते हैं वो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो खुद सेल नहीं होते हैं। राइट, प्लीज ध्यान से सुनिए। ऐसी ऐसी कितना बार इतना डिटेल में इतना आराम से आपको समझाया जा रहा है फिर भी इतना ब्लंडर आप कर रहे हैं, इतने मतलब अर्थ का पूरा अनर्थ होता जा रहा है। राइट, ऐसे ऐसे मत कीजिए वरना तो फिर तो कंसेप्ट पूरा डगमगाने लगेगा। यस, दे कुड बी अ प्रोटीन, दे कुड बी अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे कुड बी अ डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल। तो वो सेल्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करवाने में काम करते हैं, वो सेल से रिलीज करने का काम करते हैं, वो खुद सेल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सभी चीजों को।
मॉलिक्यूल को आप सेल कह देंगे, सेल को मॉलिक्यूल कह देंगे, फिर डेप बायो जो है अलग ब्लेंडर बन जाएगा, और आप जो है फिर कोई क्वेश्चन फिर ढंग से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलो।